दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और दोस्तों रेलवे आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है ट्रेनों में, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने आने वाले दिनों में बनारस से मुंबई, बनारस से लखनऊ और बनारस से प्रतापगढ़, इन रूटों पर चलने वाली ट्रेन के अंदर अगर टिकट बुकिंग करा रखी है तो दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हुआ यह है कि जो गाड़ी पहले बनारस कैंट स्टेशन से यानी कि जंक्शन से चलती थी, अब उन गाड़ियों का परिवर्तन करके बनारस पर शिफ्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बनारस स्टेशन जो पहले मुड़वाड़ी के नाम से चलता था, अब बनारस हो गया है, वहाँ से शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ये स्टेशन जो बनारस जंक्शन है वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में अगर आपको ये जानकारी पहले से ना हो तो दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो वो कैंट पहुँच जाएगा, आप बनारस उतर जाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप बोर्डिंग करने जा रहे हो और आपको ना पता हो तो भी दिक्कत हो सकती है। एंड मौके पर मूवमेंट करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जिसके अंदर परिवर्तन किया गया है, मैं आपको वन बाय वन उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की लेटेस्ट खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो फटाफट चाहिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनके अंदर परिवर्तन किया गया। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 10 जुलाई से कामायनी एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनें बनारस स्टेशन से चलेंगी। तो दोस्तों आज तो अभी हो चुकी है 6 जुलाई, ठीक है, तो अभी ये परिवर्तन होने में लगभग 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों अपने इस लिस्ट में पहली गाड़ी है प्रतापगढ़ और बनारस के बीच में चलने वाली स्पेशल ट्रेन। जो भी चेंजेस किया गया है वो अप और डाउन दोनों ही ट्रेनों में इसका असर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो गाड़ी प्रतापगढ़ से चलेगी 10 जुलाई को वो शाम को 4:15 बजे खुलेगी और रात को 9:15 बजे बनारस पहुँच जाएगी। इसी तरह वापसी में जब यही गाड़ी 11 जुलाई को चलेगी तो वहाँ से बनारस स्टेशन से शाम को 6 बजे छूटेगी और अगले दिन सुबह 9:15 बजे प्रतापगढ़ पहुँचेगी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अपनी लिस्ट में अगली गाड़ी है लखनऊ और बनारस के बीच में चलने वाली, रोज़ाना चलती है ये गाड़ी सिर्फ संडे को छोड़ के। ठीक है, तो 11 जुलाई से इसमें चेंजेस होने जा रहा है। लखनऊ से ये गाड़ी 1 बजे छूटेगी और बनारस रात को 8:30 बजे पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वापसी में यही गाड़ी बनारस स्टेशन से सुबह 5:05 पर छूटेगी और 11:25 पर लखनऊ पहुंच जाएगी। अपनी इस लिस्ट में आखिरी गाड़ी है मुंबई और वाराणसी के बीच में चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो चेंजेस किया जा रहा है वो 10 जुलाई से किया जा रहा है। 10 जुलाई से ये गाड़ी दोपहर में 2 बजे लखनऊ, 10 जुलाई से लोकमान्य तिलक से ये गाड़ी दोपहर में 2 बजे छूटेगी और दूसरे दिन बनारस स्टेशन शाम को 7:40 पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वापसी में यही गाड़ी 12 जुलाई से दोपहर में 3:40 पर बनारस स्टेशन से खुलेगी और लखनऊ लोकमान्य तिलक टर्मिनस 10:55 पर दूसरे दिन पहुँच जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसी ही रेलवे की लेटेस्ट खबरें आपको अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों एक बात और, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस शहर में देख रहे हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आज के लिए इतना ही।